को लेकर एमओयूज को लेकर क्या बातचीत हुई है ये देखिए। निवेशकों को जिस तरीके से सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में बुलाना चाह रही है उसके लिए लगातार औद्योगिक विकास काम कर रहा है और आज हमसे बात करने के लिए भी औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी मौजूद हैं। सर, आज आपने सभी जो निवेशक हैं उनसे 1-to-1 किया, क्या फीडबैक मिला आपको इन्वेस्टर समिट का और आज का? देखिए, निवेशकों में उत्साह है कि सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। पहले निवेशक विभाग में दौड़ता था और उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता था। आज सरकार निवेशकों को बुलाकर और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित सारे वरिष्ठ अधिकारियों को सामने सामने बिठाया, जो भी कंसर्न्स आए हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका तत्काल निराकरण करने का इसी मंच के ऊपर प्रयास किया गया, जिससे लोगों को लग रहा है कि नहीं, वो उत्साहित हैं। लोगों ने, अधिकांशता जितने भी लोग आए, उन्होंने इस बात की सहमति दी है कि अगले एक महीने के अंतर्गत, जिस समय हम कुछ ही दिनों के अंतर्गत जब हम इसका भूमि पूजन करेंगे या शिलान्यास करेंगे, तो उसमें अधिकांशता इंडस्ट्रीज इस स्थिति में थे कि वो ये कहने के लिए तैयार थे कि हम उस 15 या 20 दिन के अंतर्गत जो आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं, हमारे सारे फॉर्मेलिटीज पूरी, हम अपनी इंडस्ट्री लगाने शुरुआत कर देंगे। कुछ चीजें जो हमने देखी अभी उसमें ये चीज जैसे सामने आ रही थी, कुछ विभागीय दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, जैसे जो चीजें हैं कि आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं निवेशक, मगर जो दूसरे विभाग है जिनसे जो एनओसीज मिलनी है या और डील्स विभाग से मिली, वहां से दिक्कतें आ रही थी, इन पर किस तरह का? मैंने आपको बताया ना कि सारे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, तो जो ऐसी कुछ दिक्कतें आई थी यहाँ पर आई थी तो उनको निर्देश दिए गए, उनको उसको सोल्यूशन के लिए कहा गया कि प्रायोरिटी के ऊपर उसका सोल्यूशन करें और उस समस्या का निदान करके उस इंडस्ट्री से डायरेक्ट इंटरेक्शन करें। कई अधिकारियों को भी और कई इन्वेस्टर्स को भी, दोनों को कहा गया, उनको एक दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए, वो जल्दी मतलब इसी हफ्ते 10 दिन के अंतर्गत ही उस समस्या का निराकरण करेंगे। कौन कौन सी बड़ी कंपनियां थी जिसको? सारी बड़ी कंपनियां आई हैं, अडानीज भी आए थे, बजाज भी आए थे, क्रोडिया भी आए थे, पेटीएम वाले भी आए थे, कैंट वाले भी आए थे, बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत उसकी लिस्ट है मैं आपको। सर, तो ये थे सतीश महाना जी, जिनका साफ ये कहना था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निवेश बढ़ाना चाह रही है और निवेशकों को जिस तरीके से एक सुविधाजनक माहौल उत्तर प्रदेश में देना चाह रही है, उसके लिए औद्योगिक विकास विभाग लगातार काम कर रहा है और इसी तरीके से आगे भी काम करता रहेगा, और निवेशकों को खासकर जो भी दिक्कतें होंगी उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और आइए आगे आपको